नमस्कार मतकु स्वागत करुछि मु स्मृतिलग्न आज आलोचना करबा मतरे प्लस टू टेंशन उपरे कारण बातिल हेबो कि युक्त दुई परीक्षा यहार उत्तर अनेक जानिबा पई चाहुचंती गणशिक्षा मंत्री अध्यक्षता रे बैठक मध्य बसिछि सीबीएसई सीआईएसई बोर्ड रो द्वादश श्रेणी परीक्षा बातिल हो जाइछि। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्षता रे बसिथिबा उच्च क्षमता संपन्न मंत्री स्तरीय बैठक रे निष्पत्ति नियाजबा परे एबे ओडिसा सरकार को उपरे नजर रहिछि कोन निष्पत्ति आसुछि ता उपरे नजर रहिछि। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित द्वादश श्रेणी परीक्षार भाग्य कोन हेबो पूर्व दिन रे सीबीएसई जो निष्पत्ति नहीं राज्य सरकार ताकु अनुकरण करिछन्ते से दृष्टि राज्य सरकार द्वादश श्रेणी परीक्षा बातिल हेबा एक प्रकार निश्चित बोली कहा जाउछि। बाबद्रे अधिक सूचना पाई फोन लाइन आम रिपोर्टर सतरूपा सामंतराय अछंती। सतरूपा अपेक्षा रही प्लस टू परीक्षा बातिल हेबो कि एवं अभिभावक एक कथा मध्य जानिबा पाई चाहुचंती जदि परीक्षा बातिल हेबो को आधार रे मूल्यांकन करा जिवो जदि फल प्रकाश पाइबो निहाति भाव रे स्मृति लग्ना देखंतु गत काली सीबीएसई रो द्वादश श्रेणी परीक्षा को बातिल करा जाईतिला एवं प्रधानमंत्री अध्यक्षतार जो बैठक बसीला उच्च स्तरीय बैठक यार निष्पत्ति निया एवं द्वादश श्रेणी जो सीबीएसई रो द्वादश परीक्षा टी बातिल करा एवं पूर्वरु मध्य आमे देखिछु जहां जो भाव में आपण कहते जदि केन्द्ररु किछि निष्पत्ति आसे ताकु अनुकरण करथांती राज्य सरकार तो वर्तमान नजर रही जो रही राज्य में वर्तमान द्वादश श्रेणी परीक्षा को नहीं टेंशन जो रही वर्तमान आउ किछि समय पर जना पड़िबो कारण वर्तमान गणशिक्षा मंत्री अध्यक्षतार एक बैठक बसी उच्च स्तरीय बैठक बसी जो सीएचएससी जो वरिष्ठ अधिकारी माने रही उपस्थित रही वर्चुअल माध्यम रे एई बैठक टी चली सूचना मिली तो आउ किछि समय रो व्यवधान भितर ही जना पड़ कि राज्य में द्वादश श्रेणी परीक्षा हबो ना नहीं जो सीएचएससी बोर्ड रे जो प्लस टू परीक्षा जीते हबो ना नहीं एवं जदि न हुए ताहले किभली भाव रे मार्किंग करा जिवो किभली भाव रे छात्र छात्री मार्क पाइबे कारण प्लस टू परीक्षा परे परे ही छात्र छात्री माने निजर करियर आगो करियर को नहीं कि आगो को बढ़ी थांती किए इंजीनियरिंग करिथाय किए मेडिकल को पाई प्रिपेरेशन करिथाय एवं अन्यान्य जो जदि कहिबा विभिन्न वैषयिक क्षेत्र आड़ को सेमाने गति करिथांती तो किभली भाव रे सेठी एंट्रान्स हबो सेठी सेमाने किभली भाव रे परीक्षा देबे ताकु नहीं मध्य वर्तमान एक तर्जमा चली जहां सूचना मिली और पूर्व देखी जिते कोविड 19 आरंभ होता द्वितीय लहर मध्य ऑनलाइन रे पाठ पढ़ार व्यवस्था करा किंतु ऑनलाइन पाठ पढ़ा से सफल हो पार नाला ऑफलाइन जमी छात्र छात्री मैंने श्रेणी गृह से बसिक पाठ पढ़ुते ऑनलाइन रे से फलप्रद हो नाला तो निहाती भाव में कौटि ना कौटि परीक्षा को नहीं कि द्वंद्व देखा जा पूर्व प्लस टू जो छात्र छात्री मैंने रही से राजरास्ता को ओल्लते प्लस टू परीक्षा बातिल करते वर्तमान स्थिति में गत काली जिते केन्द्र निष्पत्ति सीबीएसई रो द्वादश श्रेणी परीक्षा को बातिल वर्तमान सबू नजर एवं राज्य सरकार कारण महामारी समय रे छात्र छात्री मैंने पाठ ठीक से पढ़ी ना कोर्स संपूर्ण भाव में कंप्लीट है ना तो किभली भाव में मार्किंग करा जिवो किंतु किंतु सतरपा प्रश्न उठुछि इंटरनल एग्जाम जो माने दे नाहंती से परीक्षार्थी मानको पई कोन विकल्प रहबो कोन चिंता करा जिवो निहाती भाव में यही सब जिनस को लेकिन वर्तमान जो उच्च स्तरीय बैठक चली वर्चुअल मध्यम से आलोचना होतबार सूचना मिली कारण अनेक छात्र छात्री इंटरनल परीक्षा मध्य जो अच्छी ताहा वर्तमान किभली भाव में मार्किंग करा जिते बड़े प्लस टू रि जदि भी परीक्षा न हो परीक्षा बातिल होती उत्तीर्ण करा जाउची तो किभली भाव में उत्तीर्ण करा जिवो कहाँ को को छात्र को किभली भाव में मार्किंग करबे मार्किंग रो ग्रेड केमती रहिबो ए सब जिनस को लेकिन वर्तमान एक तर्जमा चली सूचना मिली मार्किंग को लेकिन किभली भाव में रहिबो एवं महामारी समय अनेक छात्र छात्री तो ऑनलाइन क्लास रही ऑनलाइन क्लास रे ठीक से पाठ पढ़ी न पारि नथिले अनेक छात्र छात्री इंटरनल परीक्षा दे नथिले जो तो सेमिस्टर परीक्षा मध्य जो ताकु भी मध्य नहीं कि वर्तमान सब जिनस को लेकिन परीक्षा को लेकिन बड़ टेंशन रही किंतु जदि भी कह जाए आउ गोटे सब बड़ कथा उठुची जड़े जदि प्लस टू पास कर जो जो छात्र छात्री परीक्षा बातिल पर भी जो माने परीक्षा बातिल हबो परीक्षा जदि बातिल होउची ताले छात्र छात्री जदि उच्च शिक्षा आहुरी ग्रहण करिवे सेठे से माने किभली भाबरे एंट्रेंस को बीट करिवे ताकु नै मध्य एक गोटे बड़ चैलेंज सृष्टि हबो कारण महामारी समय रे अनेक छात्र छात्री कॉलेज जाई नहंती कॉलेज बंद रहितला स्कूल बंद रहितला
तो ये सब जिन को लेकिन वर्तमान एक बड़ चैलेंज राज्य सरकार सृष्टि जदि आउ वर्तमान आउ किसी समय व्यवधान भितर जना पड़ प्लस टू परीक्षा जो रही सीएचएससी बोर्ड रहा ना नहीं जदि भी परीक्षा हुए किभरी भाव में परीक्षा हे कारण प्लस टू आम देखि जमी प्राक्टिकाल एक्जाम रही है प्राक्टिकाल एक्जाम रही है किसी मार्क सिक्सटी फोर्टी हिसाब से प्राक्टिकाल मार्क रही है और रिटिन टेस्ट रही है प्राक्टिकल सृष्टि कारण अनेक एक्सपर्ट को निजा ना कारण जिते देखा प्राक्टिकल परीक्षा होता है प्राक्टिकल परीक्षा अलग कलेज रु एक्सपर्ट मान आसी था छात्र छात्री को मार्क दे था तो यही स्थिति रे केमिति प्राक्टिकल रे मार्क दिया कॉलेज रो छात्र जो शिक्षक शिक्षयत्री रही अध्यापक जो माने रही सेमाने मार्क देबे ना अलग स्कूल रु जो जो रही विशेषज्ञ माने आसी मार्क देबे ए सब जिन को लेकिन बड़ चैलेंज सृष्टि होती कारण जिते प्राक्टिकल कथ आड़ जदि आसवा जिते प्राक्टिकल परीक्षा होता है तो अलग कॉलेज रु आसी था जो जो रही था विशेषज्ञ माने जो अध्यापक माने रही था सेमाने कॉलेज को आसी था सेमाने छात्र छात्री प्राक्टिकल को देखी से भली हिसाब से माने मार्क दे था एवं प्राक्टिकल रे किभली भाव में मार्क दिया जदि भी थ्योरी रो परीक्षा जदि हो जदि थ्योरी परीक्षा जदि कथा कहिबा थ्योरी परीक्षा इंटरनल ले केते को छात्र छात्री परीक्षा देइचंती आ जो माने परीक्षा देई नाहंती सेमानकर कोन करा जीवो निश्चय एमिति गुडाय प्रश्न सामना को आछि सतरपा मा आसीबे आपन को पाख को वर्तमान शिक्षाविद रघुनाथ पंडा मो सहित जोडी होइचंती श्रीजुक्त पंडा स्वागत करू छी आपन को अर्गस न्यूज को वर्तमान परिप्रेक्ष्य रे आपन केमती देखंती एक भयावह सिचुएशन देके परिस्थिति देके समस्त गति करू छी एवं परीक्षा कथा चिंता करा जाय न पारे कारण पिला मानन को सुरक्षा प्राथमिक दायित्व तो यहा को नेकी बैठक रे कोन निष्पत्ति हेबो बोली आपन आकलन करू छंती आशा करू छंती सेते लगना मैडम आपन को टीवी को मु बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करू छी किंतु गोटी चैनल मु ओडिसा रे देखु छी जे एते कंसर्न एजुकेशन पई आपन माने एते चिंतित छंती लगातार भाबरे आ ऊपर डिस्कशन करू छंती आज्ञा ताछडा मु गवर्नमेंट अमर केंद्र सरकार को भी कृतज्ञता ज्ञापन करू छी जे प्रधानमंत्री निजे सेई माने बैठक रे उपस्थित रहिले प्रतिरक्षा मंत्री होम मंत्री आम एजुकेशन मिनिस्टर समस्त रही डिसीजन नहीं सीबीएस रो कैंसल करने कहीं पिलांकर जीवन को प्राथमिकता दिया जाई जेतेबेला आम ओडिशा को आसीबा ओडिशा रा स्थिति संपूर्ण भिन्न आमर केवल डेढ़ मास क्लास हेची आउ एठी आमर क्लास आरंभ होला डेढ़ मास परे बंद होला आम एबे जो कहुथले सतरूपा कहुथले जे आमर परीक्षा पिला माने प्रैक्टिकल करी नाहंती परीक्षा कथा छाड़ू आम पिला माने परीक्षा करी नाहंती इवन भुवनेश्वर रे केतक महाविद्यालय सरकारी महाविद्यालय अच्छा जो महाविद्यालय अध्यापक नथिबा हेतु सेमानकर ऑनलाइन क्लास भी ठीक रूपे हेइ पारिनी ना पाठ पढ़िचंती ना प्रैक्टिकल करिचंती एणु एही समय रे परीक्षा करी पिला माननकु आमे जदि तांकु परीक्षा करिवार प्रश्न उठुनी एणु आमे वर्तमान केवल केन्द्र सरकारंकर निष्पत्ति को ग्रहण करिबा सरकार भी ताको ग्रहण करिया उचित काहे कि एही महामारी रे परीक्षा हमें करि परिबा ना सुजित पंडा गोटिए कथा जदि राज्य सरकार द्वादश श्रेणी परीक्षा बातिल हेबा एक प्रकार निश्चित बोली कहउचंती बा आमे ए आशा करिबा निष्पत्ति किछि समय भितर मध्य आसी जिवो जदि बातिल हेउची मूल्यांकन केउ दृष्टि रु करा जिवो जो परीक्षार्थी माने इंटरनल एग्जाम दे नाहंती सेमान को पई कोन विकल्प रहइबो देखंतु पाठ पढी नाहंती इंटरनल परीक्षा करन कथा कदम सरकारी महाविद्यालय मानंकरे आउ जो मानकर जो अच्छी भुवनेश्वर कथा कहतु सेठी भी परीक्षा पाठ पढ़ा आरंभ हो ना आरंभ होता गोटे दिटा चार के सब्जेक्ट रे क्लास होणु पाठ तो पढ़ी ना पिला माने केवल गोटे कथा करेहेतु पाने जदि प्लस टू प्लस न करे से एनईटी जेई मेन नाइजर आइजर कौन सी परीक्षा दे पारे ना एणु से सरकार गोटे एटा गोटे एमरजेंसी डिक्लेयर करी जेहेतु सरकारंकर क्षमता अछि तांको प्रमोशन दे पारिबे किछि असेसमेंट कॉलेज मानक हाथ रे नाही केवल गोटी कथा मैडम आमे कहि पारिबा से मानक दशम श्रेणी रो परफॉर्मेंस को आखि आगे रखी आउ सबु कॉलेज रो अध्यक्ष मानक टु पिला मानकर मेरिट विषय रे सर्टिफिकेट नै से मानक सरकार प्रमोशन दियंतु प्रमोशन देला परे जेते बेले प्लस थ्री एडमिशन कथा मैडम उठीबो सेते बेले पिला मानुकु पुनर्बार ओयाम सेते तो निश्चय आमे
ଏଥିରୁ ମୁକୁଳି ଥିବା ସେତେବେଳେ ଓଏମଆର ଟେଷ୍ଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ରାଙ୍କିଂ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ଆଡମିସନ କରାଯିବ। ଆଉ ଜେଇ ମେନ୍ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଏନଇଟି ପରୀକ୍ଷା ନାଇଜର ଏମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ତ ସେମାନେ ନିଜେ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବେ, ଏଣୁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଇ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ଟେନସନରୁ ନିବୃତ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାନସଲ କରିବେ ପରୀକ୍ଷା। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମତ ଯେ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପଢିବେ ତ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ସେ ଆଧାରରେ ସେତେବେଳେ ମାର୍କିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆଡମିସନ କରାଯିବ? ହଁ ହଁ ମ୍ୟାଡମ, ସେଇଟା କରାଯାଇବ। କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ ଆମେ ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟୋନୋମସ୍ କଲେଜ ସବୁ ରହିଛି, ଆଉ ଆମର ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ କରିଛି। ସେଇଟା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଉ ଯିଏ ଆମର ହାୟର ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଯେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଡିସିସନ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ସେମାନେ କରିବେ, ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତ ଅଟୋନୋମସ୍ କଲେଜରେ ଆଉ ସବୁ କଲେଜରେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀରେ ଆଡମିସନ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କଥା ମଧ୍ୟ ହେବା। ସମୟ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ମତକୁ ଫେରିବା ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଟେନସନ ବାବଦରେ ଆଉ କିଛି ଦିଗ ଉପରେ କରିବା ଆଲୋଚନା। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ବାସୁଦେବ ଛାଟୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଛାଟୋଇ ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ? ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକଳ୍ପ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା କେବେ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ, ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ମାର୍କିଂ କରିବା, ସେ ପିଲାଙ୍କୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ମାର୍କ ଦେବା? କାରଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କାଉନସିଲରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାର୍କ ନାହିଁ ପାଖରେ। କଲେଜ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଭର କରିବା, ସବୁ କଲେଜ ମାନଙ୍କର ଆମେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କଲେଜ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ମାର୍କ ଦେବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହବ ତାର ମାର୍କ ନେଇକିରି। ହଁ, ସବୁ ପିଲା ଖୁସି ମନେଇବେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲ ଟେନସନ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ସେମାନେ ଗତି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ମନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନେ ଗଢିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ପାଖରେ ଆଗକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତର ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କଣ ସରକାର କରିପାରିବେ? ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆଡମିସନ ନେବା କଥା ଆମ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟେ ଏକକ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ତାଙ୍କ ଆଡମିସନ କରନ୍ତି ସବୁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକରେ, ତାହେଲେ ହଁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଠିକ ହବନି, କାରଣ ବାହାରକୁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟରରେ କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା, ସେଇ ମାର୍କଟା ପିଲା ପାଇବ କୋଉ ବେସିସରେ? ନା ଖାଲି ଗୋଟେ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ତାଙ୍କୁ ଧରେଇଦବା, ନା ଗୋଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମାର୍କ ଦେଇଦବା? ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ବେସିସ୍ ନାହିଁ ମାର୍କ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ମାର୍କ ଦେବା? ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଦରୱାଇଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା କରିହବନି, ଯଦି କରିବାକୁ ଡେରି ହବ, ଡେରି ହେଲେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡଲାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ କି? ଏ ଅପସନ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡଲାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଡମିସନ ପୂର୍ବରୁ? ନାଇଁ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଡମିସନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଏକକ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ କରିବେ ସବୁ କଲେଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ କଲେଜ ପାଇଁ, କିଏ କୋଉଠି ଆଡମିସନ ନବ ତାଙ୍କ ମାର୍କ ପାଇବା ଅନୁସାରେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅସୁବିଧା ହବ କଣ ନା, ତାକୁ କୋଉ ମାର୍କଟା ଦିଆହବ, ସେଇ ଯୋଉ ମାର୍କଟାକୁ ନେଇକି ସେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯିବ ଯେ ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଏତିକି ମାର୍କ ଥିଲା, ତାର ଯୋଉଠି କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କିଂ ଦରକାର ପଡିବ ସେଠି କୋଉ ମାର୍କଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦବା? ଓକେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା କଣ ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଏହାର? ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ ହିସାବରେ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିରେ? ଏତେ ସରଳ ନୁହଁ ଯେ ଆମର ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସାମର ମାର୍କକୁ ନେଇକି ଆଡମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ନ ହେଉଛି ଏତେ ସରଳ ନୁହଁ, ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଯୋଉ କଥା ଛାଟୋଇ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବହୁତ ଠିକ କଥା, ଭାରି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା, ସେ ତ ନିଜେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ସିଏଚ୍ଏସ୍ସି ର। ଏଣୁ ମ୍ୟାଡମ, କିନ୍ତୁ କଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଆମର ତ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବହୁତ କଥା କହୁ, ବହୁତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କରୁନୁ। ଶିକ୍ଷାର ବହୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ନୀତି ନିୟମ ତିଆରି ହେଇଛି, କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଭା ବୈଠକରେ ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ହବ କି ନାହିଁ ବୋଲିକି।
केन्द्र सरकार केते चिंतित अच्छा पाई ओडिशा सरकार केबे चिंता करना केबे करना भिन्न भिन्न समय रे निजर जी रे अध्यक्ष रे परिचालन रे से स्वार्थ पाई गुड़ाए संस्कार नहीं आसती पर संस्कार जाक नष्ट हो सारी किसी कम आसनी पाने क्षति भोग करणु जदि आमर इंटरनल असेसमेंट प्रति समय करता पिलामानंकर जमी सीबीएसई रे एंट्रेंस माने करा दे पारिथंता ताहाले ही पारिथंता सरकार अध्यापक अपॉइंटमेंट करिसंती कि बीजेपी कॉलेज रे केमिस्ट्री अध्यापक नाहंती सुते लगना मैडम आप तो बीजेपी कॉलेज रे छात्री मु सही कॉलेज रे अध्यक्ष थिली किंतु सही की अध्यापक नाहंती हजार हजार पिला से परीक्षा दो पाठ पढ़ुचंती ऑनलाइन क्लास सही पानी गेस्ट लेक्चर कोर्स किछि सरनी मैडम प्रैक्टिकल आरंभ वर्तमान समय रे पिला को परीक्षा कथा कहा निश्चित चापग्रस्त हे कहीं पाठ पढ़ी ना कोर्स कंप्लीट परीक्षार प्रश्न उठुनी जीवन आग प्रधानमंत्री कहते सुरक्षा आग तापरे परीक्षा तेनालीटा को आम नमस्कार कर परीक्षा नुह आम जो कथा कह मोर मतामत रहा मैडम ये आम वर्तमान पिला प्लस टू रु आम परीक्षा कैंसल करें कौन गोटे बेसिस तैयारी मैट्रिक मार्क अच्छी आम हाथ में ताकू नहीं पिला जेहेतु सरकार चाहिए ऑर्डिनेंस जारी करस करें किंतु जितेबाला यही तो कोरोना तो चली रही एणु किसी समय पर निश्चय कम एणु जो छाटुई सार जो कहते जो मैंने मेधा पिला अच्छा वर्ष सारा पाठ पढ़ी करियर गढ़ी विदेश को जीवा चाहते जो कि मार्क कामरे आसे जितेबले टीसीएस कहतु आमर विप्रो कहतु बा इन्फोसिस कहतु जितेबले से चाकरी करेंगे से मर प्लस टू र मार्क निजाए 70% थी से योग्य बेचित हमें से ही परीक्षार बसवाई एणु से पुनर्बार परीक्षा कर श्रीजुक्त पंडा गोटे कथा कहतु जदि कॉलेज मानक दिज्व एक चटिया अधिकार तो यह परवर्त समय बिवाद सामना को आसीबो निश्चित भाव आसो मैडम बहुत कॉलेज अच्छी जो कि पाठ पढ़ा जाए किंतु सेल्फ फाइनेंस कॉलेज मानक छाड़ीदे प्राय कौन कॉलेज पाठ पढ़ा है सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज मैंने मार्च मस रु क्लास आरंभ कले किंतु आम सरकारी महाविद्यालय बेसरकारी महाविद्यालय आम पाठ पढ़ा जाइए आरंभ है जनवरी मसने जो सरकार कहले तो वर्तमान ना पर्याप्त समय रही ना से माने कोर्स कंप्लीट कर पिला माने चापग्रस्त हे जदि परीक्षा करा जिपो सबुठ बड़ कथा स्वास्थ्य प्रथमे तापरे जाई की शिक्षा आमे आगो को आलोचना नबा किंतु समय आउ एक ब्रेक रो मत को फेर आम आलोचना करूँ प्लस टू टेंशन को लेकिन शिक्षाविद श्रीजुक्त वासुदेव छाटोई को पाक जावाप चाहिए श्रीजुक्त छाटोई गोटे प्रश्न रदि परीक्षा वर्तमान समय रे बातिल करा परवर्त समय रे पिलांको पाई ए विकल्प देवार आवश्यकता रही कि चाहिए परीक्षा दे पारे ना मन में असंतोष कुहुलकी मार्क हकदार सेपारे ना कैरियर नष्ट एमती अनेक दुख से जीवन जाक रदि सेक योग्य से निश्चित भाव कारण बर्तमान जदि पिला परीक्षा करोसी क्राइटेरिया कर मार्क दि जाऊँगी एडमिशन कर दि जाऊ कि चिंता ना अन्य जगह किंतु भल पाटे तार गोटे कैरियर करने भल मार्क पाइबा परीक्षा दवा को चाहती निश्चित भाव सुजोग दि जाऊ से परीक्षा दौ ताप गोटे व्यवस्था कराऊ गोटे विकल्प सृष्टि कर रखा पड़ो निश्चित भाव आम आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त वासुदेव छाटोई और श्रीजुक्त रघुनाथ पंडा आम सहित रही है लगातार भाव में दुईज शिक्षाविद सहित आम आलोचना करूँ उभयर यह मत थी वर्तमान समय रे परीक्षा संभव नुह किंतु परवर्त समय पिला विकल्प रखार आवश्यकता रोचे जो पिला जी मार्क पाइबार हकदार जदि से निजी प्रमाणित करने चाहिए परीक्षा परवर्त समय से जदि परवर्त समय परीक्षा नक एडमिशन को लेकिन चिंता उपज कारण को टाइम रे एडमिशन करा जिवो किभले भाबरे कॉलेज माने पिलां को बाछिबे भलो भलो कॉलेज रे रहिबा पई समस्ते चाहिबे को आधार रे टेस्ट करा जिवो ए सब एमिति तमाम प्रश्न सामना को आसुची जा को ने कि बैठक रे सब विशेष भाबरे आलोचना रे आवश्यकता रहिची जोथरे एक्सपर्ट रहिबा दरकार जोथरे कॉलेज रो कर्तृपक्ष रहिबा दरकार अध्यक्ष रहिबा दरकार समय होइछि मत को इठो किपा विदाई दंतु नमस्कार।